बात करें अगली खबर की तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा होने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को सुशासन, संवेदनशीलता, सेवा और संस्कार के प्रति साथ देने का मन बना लिया है और सभी 11 सीटों पर रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा को जीत मिलने ही जा रही है। हमारे महामंत्री द्वय संजय श्रीवास्तव जी, जगदीश रामू रोहरा जी, हमारे बीच मीडिया से अमित चिमनानी जी, अनुराग अग्रवाल जी, हमारे रसिक परमार जी, नलिनेश ठोकने जी, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की तैयारियों को लेकर और विधानसभा चुनाव में जैसे ही चुनाव समाप्त हुए और परिणाम घोषित हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसके अनुसार राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देश शानुसार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी उसी समय से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में निकल पड़ी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के अनुसार लोकसभा को 3 क्लस्टरों में बांटा गया और तीनों क्लस्टर के प्रभारी के साथ साथ सह प्रभारी, हमारे लोकसभा के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, हमारे विधानसभा स्तर की टीम, हमारी प्रबंध समिति भारतीय जनता पार्टी की और सभी क्लस्टरों पर सभी वरिष्ठ नेताओं का जाना हुआ, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का आगमन हुआ क्लस्टर की बैठकों में। हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे बस्तर के क्लस्टर में आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हुआ, बड़े विस्तार से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जैसे लोकसभा की पूरी टीम बस्तर लोकसभा, उसके अंतर्गत बस्तर लोकसभा है, कांकेर लोकसभा और महासमुंद, ऐसे क्लस्टर के हमारे जितने भी संयोजक, सह संयोजक, वहाँ की कोर कमेटी, वहाँ के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं के बीच उनका मार्गदर्शन हुआ। अलग अलग इसी तरीके से हमारे दो और क्लस्टरों के सभी लोकसभा स्तर की बैठकें संपन्न हो चुकी।